हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अ रीशफल प्रोसेस। रीशफल प्रोसेस का मतलब होता है इंटरचेंज। जो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज मिला है वो आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, अब आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अपने से बेटर कॉलेज चूज़ करना है या फिर आपको जैसे कोई एम कॉलेज है उसे चूज़ करना है, तो उसे रीशफल प्रोसेस कहते हैं। रीशफल प्रोसेस में सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करूँ तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हो गया जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, उससे पहले सीट डिस्प्लेस होंगे, जो मतलब वैकेंट सीट होंगे उसकी लिस्ट आएगी। आपको सीट देखने की जिस कॉलेज में आप लेना चाह रहे हो उस कॉलेज में सीट वैकेंट है कि नहीं, अगर सीट वैकेंट है तो आप चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में करिएगा। और जो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट भी करना होगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको 5,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी फिर से सबमिट करना होगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हुआ बट आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करा तो आपकी कॉलेज की सीट वैकेंट हो जाएगी, उसमें कोई और मतलब ले लेगा। और अगर मैं बात करूँ तो आप सेकंड काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 5,000 सिक्योरिटी मनी फिर से पे करनी पड़ेगी। इसलिए जो आपको कॉलेज है आप उसमें रिपोर्ट करिए, रिपोर्ट करने की जो भी फीस स्ट्रक्चर उसका होता है उसको पे करिए, देन आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर सेकंड राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग करने के अगर आपको कॉलेज मिलता है दैट्स ग्रेट, आप अपना फर्स्ट राउंड कॉलेज अलॉट जो हुआ था उसे छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलेज को आप ले लीजिए। बट अगर आपको रिशफल प्रोसेस में नहीं मिलता है तो सिक्योरिटी मनी भी वेस्ट नहीं होगी। रीशफल प्रोसेस में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपको फर्स्ट कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और अगर रीशफल के बाद आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपका फिक्स है फर्स्ट कॉलेज। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू रीशफल प्रोसेस, काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग और प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज, प्लीज कमेंट।